बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मौजूदा नाज़रीन, मैं हसाम हसन नज़वी और आप देख रहे हैं HAP डिजिटल स्टूडियो। आपका शुक्रगुजार हूँ, आपने मेरी वीडियो देखने के लिए टाइम निकाला। और जिन दोस्तों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, उनसे गुजारिश करूँगा मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही प्रेस बेल आइकन कर दें। नाज़रीन, यकीनन आपको थंबनेल से पता चल चुका होगा मैं किस टॉपिक पर बात करने वाला हूँ। नाज़रीन, लाहौर के अंदर जो मामलात आजकल पेश आ रहे हैं, जो सोशल मीडिया पे जो वीडियो आजकल बड़ी वायरल हो रही है, एक स्कूल के अंदर जो लड़कियों ने एक लड़की के साथ, तीन लड़कियों ने मिलके एक लड़की के साथ ज़्यादती की, उसको उसके ऊपर तशद्दुद किया, उसके बाल खींचे गए, उसको जूता सुंघाया गया और उसके ऊपर न जाने किन किन उसको इतनी गाली गलौज की गई जो नाकाबले बर्दाश्त हैं। ये स्कूल है जिसके अंदर लोग तलीम हासिल करते हैं, स्कूल के अंदर लोग तलीम हासिल करने आते हैं। डिफेंस के इलाके में ये स्कूल है, उसके अंदर जो वीडियो लड़कियों ने बनाई, ये तीन लड़की हैं नाज़रीन, मैं उन तीनों लड़कियों के नाम नहीं लेना चाहूँगा और जिसके साथ ज़्यादती भी की गई उस लड़की का नाम भी नहीं लेना चाहूँगा, क्योंकि मेरा एक अपना नज़रिया है, मेरा एक अपना मौक़िफ़ है, मैं उनकी जो शनाख्त है वो आपके सामने नहीं पेश कर रहा। लेकिन मैं जो बात करने वाला हूँ वो बात ये है नाज़रीन के, देखें स्कूल वो चीज़ है जहाँ पर इल्म सिखाया जाता है, स्कूल वो है जहाँ पे हमको रहने का, ज़िंदगी में जितने भी मामलात होते हैं उनमें रहने का, उनमें चलने फिरने का, उठने बैठने का तरीका सिखाया जाता है, बोलने का, किसी से बात करने का सारा हमें बताया जाता है। नाज़रीन मुकर्रम, आपने ये जो वीडियो देखी, ये जो तस्वीर देखी और उस वीडियो में जो आपने उन लड़कियों की गालम गलोची देखी उस लड़की के साथ जिसके साथ इन्होंने मार पिटाई की और जिसको इन्होंने मारा और इतना उसके साथ तशद्दुद किया और इतनी बेरहमी से उसको मारा कि उसको उसके नाक में वो जो जूता होता है उसको सुंघाया गया, उसको उसके बाल खींचे गए। नाज़रीन मुकर्रम, ये डिफेंस के इलाका में एक स्कूल है, उस स्कूल में ये वाक़या पेश आया, दो लड़कियाँ जो सगी बहनें हैं और तीसरी उनकी दोस्त है, ये तीनों लड़कियाँ मिलके आपस में नशा करती थी, नशावर चीज़ें स्कूल में लाके नशा करती थी और ये चौथी लड़की जिसको इन्होंने मारा है उसको ये कह रही थी कि हमारे ग्रुप में शामिल हो जाओ, लेकिन वो उस ग्रुप में शामिल नहीं हुई। उस लड़की ने उसकी वालदा की जो FIR है उसके मुताबिक उस लड़की ने उनकी वीडियो बना के उसके फादर को सेंड की, उस लड़की के जो दो बहनें थी उसके वालिद को सेंड की। अगले दिन उन्होंने आके उस लड़की की खूब पिटाई की और नज़ेबा अल्फाज इस्तेमाल किए। नाज़रीन, मैं यकीनन हमने वो भी माँ बाप देखे हैं कि जो सारा दिन मेहनत मजदूरी करके खुद अपने पेट काट के रिक्शे में मोटरसाइकिलों पे छोड़ने आते हैं, अपने बच्चों को अच्छे स्कूल में दाखिल करवाया, अपने बच्चों की अच्छी फ़ीस देते हैं, खुद घर में चाहे कुछ खाए ना खाए अपने बच्चे की फ़ीस देते हैं। वो फ़ीस इसलिए देते हैं कि उनका बच्चा पढ़ लिख के कोई उसको अपनी ज़िंदगी में रहने का तरीका आ जाए, उसको दुनियादारी का पता चल जाए। नाज़रीन मुकर्रम, और हमारे वालदैन हमें स्कूल जब भेजते थे तो स्कूल वालों, जब हमने घर से चले जाना है तो घर से जाते वक्त की जिम्मेदारी वालदैन की होती है, लेकिन जब हम स्कूल चले जाते हैं तो स्कूल के अंदर जो जितनी भी जिम्मेदारियां होती हैं वो उस्ताज़ा की होती हैं। नाज़रीन मुकर्रम, अगर स्कूल के अंदर कोई नशावर चीज़ लेके आता है, कोई तालाबिलम लेके आता है, तो यकीनन उसका ज़िम्मेदार उसका उस्ताद है, क्योंकि उस्ताद कौम का मोहसिन होता है, उस्ताद अपने तालाबिलम के ऊपर उसने पूरी नज़र रखनी होती है। लेकिन आजकल यूनिवर्सिटीज़ में, स्कूल में आप देख सकते हैं बच्चे, लड़कियाँ, लड़के, कोई आजकल ना पर्दे का रह गया है, ना ही कोई जो भी कोई बंदा इस्तेमाल कर रहा है, नशा कर रहा है, कोई स्मोकिंग कर रहा है, कुछ भी कर रहा है, उस्ताज़ा देख रहे हैं, उस्ताज़ा बिल्कुल इस पर कोई एक्शन ले रहे। और मैं हुकूमत पाकिस्तान से ये गुजारिश करूँगा, जितने भी हमारे पाकिस्तान के अंदर ये स्कूल हैं, प्राइवेट स्कूल्स या हो गवर्नमेंट स्कूल, जिसके अंदर इस तरह के काम हो रहे हैं, स्टूडेंट्स को बिल्कुल खुली आज़ादी है, कोई पूछने वाला नहीं, कोई रोकने वाला नहीं, कोई टोकने वाला नहीं, यकीनन उसको, उस स्कूल को या तो बैन होना चाहिए या फिर उस स्कूल के ऊपर पूरी कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए। नाज़रीन, FIR के मुताबिक जिस तरह नाज़रीन उन लड़कियों के ऊपर जो FIR करवाई गई है, FIR के बाद जब पुलिस उनको गिरफ्तार करके लेके गई तो उनके वालदैन ने उनकी ज़मानत करवा ली। उनके वालदैन ने बिल्कुल नहीं ये सोचा कि हमारी बच्चियों की गलती है, हमारी बच्चियों को ये नहीं करना चाहिए। उनके वालदैन उनके जो करीबी चौकी थी जहां वो लेके गए, उधर से जाके उन्होंने ज़मानत करवाई, ज़मानत करवा के वो घर लेके आए। लेकिन नाज़रीन, घर लेके आना या ना लेके आना ये मायने नहीं रखता, मायना ये रखता है, बात ये होती है अगर आज उनके वालिदैन उनको जाके लेके आए, कल को
उनके वालिदैन ने उनको सीधा सबक दिखा दिया, सीधा रास्ता दिखा दिया कि बेटा तुम जो भी करो, तुम पाकिस्तान में रहती हो, पाकिस्तान तुम्हारे बाप का मुल्क है, कानून तुम्हारे बाप का है, तुम जो मर्जी करो, जिसकी मर्जी बेटी के साथ ज्यादती करो, जिसकी मर्जी बेटी को गालिम गलोची दो, जिसकी मर्जी बेटी के साथ तुम उसको उसकी मार पिटाई करो, लेकिन मैं तुम्हारा बाप अभी जिंदा है, तुम्हारा बाप सारा कुछ करेगा, तुम जो मर्जी करती रहो। और हमारा कानून भी माशाल्लाह कानून क्योंकि बना ही गरीब आवाम के लिए, जिनके पास पैसा है, जिनके पास दौलत है, उनके लिए पाकिस्तान में कानून है ही नहीं। कानून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ना दौलत है ना शोहरत है। कानून सिर्फ उनके लिए है जिनके पास ना दौलत ना शोहरत, लेकिन कानून उनके लिए नहीं है जिनके पास पैसा है। हजरत मौला अली का फरमान था, जुल्म का निज़ाम नहीं चल सकता, कुफर का निज़ाम चल सकता है। जब तक पाकिस्तान में जुल्म होता रहेगा, किसी गरीब के साथ ज़्यादती होगी तो अमीर उसकी उसके ऊपर जो कानूनी कार्रवाई की जाएगी तो अमीर अपना पल्ला छुड़वा के निकल जाएगा, गरीब पकड़ा जाएगा। तो इस तरह मुल्क नहीं चलते, इस तरह रियासतें नहीं चलती। नाज़रीन मुकर्रम, मैं यकीनन एक जब भी इस तरह के वाक़यात देखते हैं तो दिल खून के आंसू होता है कि पाकिस्तान एक इस्लामी मुल्क है, पाकिस्तान इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है, और पाकिस्तान का मतलब भी ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। लेकिन हमारे माशरे में न जाने हम क्या चीज़ हमने देख ली है, न जाने हम किसकी शख्सियत को अपना रहे हैं कि जो हम इस तरह के काम करने शुरू कर दिए हमने। अल्लाह पाक हम सबको हदायत दे। नाज़रीन मुकर्रम, आज की वीडियो का वक्त इधर ही ख़त्म होता है। अपने मेज़बान हसाम असरिज़वी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।